आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर में, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पूरी घटना केरन सेक्टर की है, जहां पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां जम्मू सेक्टर में लगातार घुसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और घुसपैठ की इनके द्वारा कोशिश की जा रही थी, इस दौरान ये आतंकवादी मारे गए हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। एरावत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एरावत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 3 आतंकी यहां पर ढेर किए गए हैं, क्या अपडेट है मौजूदा? जी हाँ, ये सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस बेसिक इनपुट मिला था, नॉर्थ कश्मीर के केरन सेक्टर में कुछ आतंकियों की घुसपैठ होने जा रही है। उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है केरन सेक्टर में जो है लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, अभी तक जो है 3 आतंकी जो है इसमें मार गिरा दिए गए हैं और पूरे एरिया में अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पहले हमने देखा कठुआ के अंदर किस तरह एक एम्बुश अटैक हुआ आर्मी पर, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसीज की अगर हम बात करें, लगातार उन्हें अलर्ट्स जारी कर दिए कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ ऐसे आतंकी हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन कभी भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जितने भी मेन सिटीज एंड टाउन से वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया था। और इस बीच सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि 3 आतंकियों को जो है अभी इस वक्त जो है मार दिया गया है। फिलहाल अभी भी एरिया में जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था कि 3 से 5 आतंकी जो है पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड से केरन सेक्टर से कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें AK सीरीज वेपन्स के साथ साथ और भी कुछ विस्फोटक, जैसे अगर एक्सप्लोजिव की बात करें वो रिकवर हुए हैं, चाहे ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ बाकी चीजों की अगर बात करें जो लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन एरिया में है लगातार जारी है। आप देख रहे हैं ये होगा कि इस ऑपरेशन में अभी जो ऑपरेशन है फिलहाल अभी जो है 3 आतंकी जो है इसमें मार गिराए गए हैं। अब देखना ये होगा क्या ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है या ये ऑपरेशन लगातार कल तक भी है जारी रहेगा। जी तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में ये घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और इस दौरान आर्मी को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। इसके पहले भी जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी उसे नाकामयाब किया गया है सुरक्षा में लगे सैनिकों के द्वारा। तो इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर GTP अस्पताल में गोलीबारी की गई है। अस्पताल के भीतर घुसकर मरीज पर ताबड़तोड़ किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। दिल्ली के GTP अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया है। अस्पताल में घुसकर मरीज को गोली मारी गई, हमलावर ने मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी है। मरीज रियाजुद्दीन को हमलावर ने गोली मारी है, हत्या के बाद अस्पताल से हमलावर फरार हो चुका है। सवाल सुरक्षा को लेकर भी कि अस्पताल के भीतर घुसकर कैसे किसी की हत्या यहां पर की जा सकती है, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के GTP हॉस्पिटल में दिन दहाड़े एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल आज शाम 4 बजे के आसपास PCR कॉल के जरिए पुलिस को जानकारी दी जाती है कि वार्ड नंबर 24 के अंदर एक मरीज मौजूद है जिसपे एक शख्स ने 4 से 5 राउंड किए हैं, जिसकी मौके पे ही मौत हो चुकी है। इस वक्त हम GTP हॉस्पिटल 4th फ्लोर के वार्ड नंबर 24 के बाहर मौजूद है। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ जो है अभी पुलिस के जवान मौजूद हैं और साथ ही साथ जो बॉडी है वो अंदर मौजूद है। FSL की टीम थोड़ी देर में मौके पर पहुंचने वाली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि आज शाम को 4 बजे PCR कॉल होती है GTP हॉस्पिटल से, ये जानकारी दी जाती है। एक लड़का पिस्टल लेके आया था और इसी वार्ड नंबर 24 में दाखिल होता है और एक लड़के पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। मृतक शख्स का नाम जो है रियाजुद्दीन बताया जा रहा है और फिलहाल वो दिल्ली खजूरी इलाके में रहता था। पुलिस मौके पर मौजूद है, मामले की जांच कर रही है। अभी फिलहाल हत्या की जो वजह है वो साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार किन कारणों से उस लड़के ने इस शख्स की हॉस्पिटल के अंदर घुसकर हत्या की है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाली निशान जो है हॉस्पिटल की सुरक्षा पे भी खड़ा होता है कि आखिरकार एक शख्स जो है पिस्टल लेके हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर पहुंचता है और वार्ड नंबर 24 के एक बेड के पास जाता है और एक मरीज पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। तो इस तस्वीर से ये भी जाहिर हो सकता है कि GTP हॉस्पिटल के जो सुरक्षा गार्ड है वो कहने कहीं चूक हुई, जिसके बाद ये मामला देखने को मिला है। लेकिन पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश के लिए CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है।
वार्ड की तरफ बाहर से कोई बंदा आया और उसने गोलियां चलाई, उसने या तो राइवलरी हो सकती है, पता लगाया जा रहा है। अभी लड़की की भी पहचान करी जा रही है, अभी कैमरे देखे जा रहे हैं, अभी काफ़ी सारी जगह पे देखे जा रहे हैं कि कौन सा बंदा है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, आइडेंटिफाई करके क्लियर कहना कि वही बंदा है कन्फर्म किया जा रहा है। अभी और साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। साहिल, पता चल पाया है कोई सीसीटीवी, कोई जानकारी मिल पाई है कौन थे हमलावर, क्यों हमला किया, क्या कह रही है पुलिस? साहिल, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, जी देखिए, दिल्ली पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन सवाली निशान ये खड़ा था कि आखिरकार 18 साल का लड़का सरकारी हॉस्पिटल जो जीटीवी हॉस्पिटल है उसके फोर्थ फ्लोर पे आता है, वार्ड नंबर 24 के अंदर घुस के एक पेशेंट पे कई राउंड फायर करता है। अब ये तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं जीटीवी हॉस्पिटल के फोर्थ फ्लोर के वार्ड नंबर 24 के बाहर मौजूद हूँ। पुलिस ने इस पूरे पोर्शन को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास एक लड़का यहीं से दाखिल हुआ था, पिस्टल लेके एक बेड के पास जाता है जहाँ पे एक मरीज लेटा होता है, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। मृतक शख्स का नाम जो है रियासुद्दीन बताया जा रहा है और जो कि दिल्ली के खजूरी थाने इलाके का रहने वाला है। अभी फिलहाल डीसीपी से यह भी सवाल किया गया था कि आखिरकार जो लड़का यहां पे पिस्टल लेके मारने आया था, क्या वो किसी इसी शख्स को मारने आया था या फिर किसी और शख्स को मौत के घाट उतारने आया था। उस मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है, लेकिन सवाली निशान यह खड़ा था कि आखिरकार जो शख्स दिन दिहाड़े हॉस्पिटल में काफी सारे पेशेंट एडमिट रहते हैं, लोगों के परिजन रहते हैं, लेकिन वो आता है पिस्टल लेके और छूटते ही पेशेंट पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाली निशान जो हॉस्पिटल के जो गार्ड्स हैं उन पे भी खड़ा होना लाजमी कि आखिरकार नीचे से इमरजेंसी की गेट से एंट्री कर वो लड़का कई जो रास्ते थे वो पार करके आता है, वहां पे उसको किसने रोका नहीं, किसी ने उसकी चेकिंग नहीं करी और यही लापरवाही रही कि वो शख्स पिक्चर लेके वार्ड नंबर 24 में दाखिल होता है और एक पेशेंट पे फायरिंग कर देता है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है और थोड़ी देर में एफएसएल की टीम जो है घटनास्थल पे पहुंचेगी, कुछ जो एविडेंस है उसको एकत्रित किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल क्योंकि हॉस्पिटल काफी बड़ा है और सीसीटीवी कैमरे को देखना काफी ज्यादा मुश्किल है, पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है, लेकिन सीसीटीवी में चेहरा पहचान होगा उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी कि वो लड़का हॉस्पिटल के अंदर जब वो बेड पर लेटा होता उस पर आके फायरिंग कर देता है। पुलिस ने बताया है कि एक महीना पहले ही रियाजुद्दीन जीटीवी अस्पताल में पेट में इंफेक्शन। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। साहिल उस अस्पताल से तस्वीर दिखा रहे थे जिस जगह पर, जिस फ्लोर पर, जिस अस्पताल में हमला हुआ है। 27 साल का युवक है लेकिन जानकारी अभी तक उसके बारे में कोई भी नहीं लग पाई है। बढ़ते आगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कांग्रेस का हाथ है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी महिलाओं को गुजारा भत्ता तलाक के बाद, मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का सुप्रीम